हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हरतालिका तीज व्रत अगर कुंवारी कन्याएं करती हैं तो मनपसंद प्रेम मिलता है और होने वाले पति की भी लंबी आयु होती है। साथ ही जो वरदान माता गौरी को ऐसा प्राप्त है, जैसे कि माता गौरी ने इस दिन इस व्रत को किया था और भगवान शिव शंकर को पाया था, ऐसे में भगवान शिव उन्हें वरदान देते हुए कहते हैं, इस दिन मेरी पूजा अर्थात भगवान शिव की पूजा और माता गौरी की पूजा विधि विधान से जो कुंवारी कन्याएं सुहागिन महिलाएँ करेंगी, उन्हें जो है तत्काल जो भी मांगेंगी उसका फल प्राप्त होगा। ऐसे में आप सभी भी हरतालिका तीज व्रत को करने का सोच रही हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, आप सभी को विस्तार से जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हरतालिका तीज आवश्यक रूप से प्रत्येक कुंवारी कन्या को करना चाहिए, परंतु इस व्रत के नियम भी काफी हैं। परंतु कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हो, हवन हो, उसे छोटे रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां अब इस तरह की हो गई हैं कि हर एक व्रत के नियम को मानना कहीं ना कहीं कठिन हो गया है। ऐसे में किसी व्रत को संक्षिप्त रूप में अर्थात छोटे रूप में भी किया जा सकता है। तो ध्यान से सोचिए, आप ध्यान से सुनिए आप कैसे इस व्रत को करें। सबसे पहले पहली रात्रि से ही, जैसे कि महिलाओं के लिए नियम है, प्याज लहसुन इत्यादि छोड़ना होगा, तो आपको भी जो है प्याज लहसुन इत्यादि छोड़ना होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए। आप सभी को भी बाल पहले दिन ही धो लेने होंगे, व्रत के दिन हरतालिका तीज व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते, इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही आप अपने लिए कैसे कपड़े चुन रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखिए। सबसे पहले शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं हरे रंग के, लाल रंग के और पीले रंग के वस्त्र। इन तीनों में से कोई भी एक कपड़ा अपने लिए चुन लीजिए, भले पूरी ड्रेस नहीं पहन सकते कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक चुन्नी जरूर पहन लीजिए। साथ ही सुहागिन महिलाएं मेहंदी इत्यादि लगाते हैं तो आप भी जरूर लगाइएगा। अब आपको तैयारी कर लेनी होगी पूजा की। आपको पूजा में भगवान शिव के लिए जो आपसे बन पड़े, संभव हो जरूर लेके आइएगा। जैसे कि भगवान किसी भी पंसारी की दुकान या पूजा जिसमें पूजा इत्यादि का सामान मिलता है, उनसे कहेंगे कि आप शिव पूजा में होने वाली जो सामग्री यूज़ में होती है वह यूज़ में दे दीजिए। कहने का अर्थ है कि कल मेरा व्रत है वह दे दीजिए और श्रृंगार की सामग्री दे दीजिए माता गौरी को, तो वह आपको पूरी पकड़ा देंगे। श्रृंगार की सामग्री में छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं जो भगवान को समर्पित होती है। आप बड़े रूप में करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी है, बड़े स्तर पर ला सकते हैं, साड़ी ला सकते हैं, चुन्नी ला सकते हैं। छोटे रूप में लाना चाहते हैं तो वह भी आप जो है माता के लिए लेकर आइए। साथ ही भगवान शिव के लिए आंख, धतूरा, बिल्व पत्र या जो चंदन इत्यादि हमेशा से ही आपने देखा होगा, आप हमेशा ही करते हैं, तो सेम उसी वही सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी। अब दूसरे दिन पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए और आप जो है हाथों में चूड़ी पहन लीजिए, कोई भी चूड़ी हो सकती है, कांच की या जैसा आपके चलन है। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, तो इस बात का ध्यान रखते हुए माथे में जो है तिलक इत्यादि लगा लीजिए। अब भगवान शिव और माता गौरी की मिट्टी की प्रतिमा बनाना आवश्यक नहीं है, जैसे कि कविता इसकी कहानी में वर्णित है, कथा में वर्णित है, यह आवश्यक नहीं है। शहरों में रहने लगे हैं, हर समय मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना सकते, परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं, तो यही बात इस पर भी लागू होती है। तो आपके पास जो मूर्ति है भगवान शिव माता की, वही आप पूजा में जो है ले सकती हैं। एक कपड़ा बिछा लीजिए, एक पाटा बिछा लीजिए, एक चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर जो है उसकी स्थापना कर लीजिए और कहिए कि हे माँ, हे भगवान शिव, आज मैं सरल विधि से आपका व्रत कर रही हूँ, मुझसे यह व्रत निर्जला नहीं होता। अगर आपसे निर्जला हो पाए बिना जल पिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इसका फल मिलता है। हालांकि यह व्रत निर्जल किया जाता है, नहीं किया जाता कोई दिक्कत नहीं, और इस बात का ध्यान रखिए, एक बार यह व्रत जिस तरह से नियम के साथ शुरू किया जाए करीब करीब उसी नियम के साथ किया जा सकता है। तो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपका शरीर कैसा साथ दे रहा है उसी अनुसार इस व्रत को करने का कोशिश कीजिए। अब आप सरगी लेना चाहें, क्योंकि कुंवारी लड़कियों की सास या सास की तरफ से सरगी नहीं दी जाती, अगर पियर पक्ष में है तो ससुराल से सरगी आती है, ससुराल या सरगी में ड्राई फ्रूट या दही छाँस इत्यादि, और अगर वह पियर पक्ष में है तो ससुराल से आती है, ससुराल में है तो पियर में। आप तो कुंवारी कन्या है तो सामान्य रूप से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पहली रात्रि, जैसे दूसरा कल व्रत है आज रात्रि जो है आपको चाय पानी इस अंतराल के बीच में पी सकती हैं। साथ ही आपने व्रत की तैयारी कर ली, विधि विधान से आप पूजा कीजिए, उसके बाद पूरे दिन आप कुछ भी एक समय चाय पानी इत्यादि ले सकती है, नहीं तो चाय पानी न ले तो काफ़ी बेहतर है। अब प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल क्या होता है, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद। इस समय जो आपने सुबह जहाँ पर पूजा कर रखी है पंडाल इत्यादि छोटा सा सजा लीजिए, सरल विधि होती है सजाने की, तो उसे सजा कर विधि विधान से वापस जो है भगवान शिव माता रानी की पूजा और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। सुबह छोटी सी पूजा कर लीजिए, शाम को और अधिक विस्तार से कीजिए।
अब आपको कथा सुन लेनी होगी हरतालिका तीज व्रत की। अब इस व्रत में महिलाओं के लिए नियम होता है कि वह पूरी रात्रि जागरण करें, परंतु आपसे संभव ना हो क्योंकि कुंवारी कन्याएं हैं, पूरी रात्रि जागरण करना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे में यह संभव ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कथा इत्यादि सुन के शाम के समय में आप भगवान से माफ़ी मांगते हुए कि हे प्रभु, मेरे से इसी सरल विधि से यह व्रत हो पाता है, मेरी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। आप समझते हैं सब पिता स्वरूप हैं, आप माँ गौरी के स्वरूप में हैं, मैंने जो मांगा है आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, मेरा सच्चे भाव सच्चे मन से मैंने ये व्रत किया है, आप इस व्रत को सफल बनाइएगा। इस तरह से अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत खोलना किससे है, जो आपने भोग बनाया है प्रसाद भगवान शिव माता रानी को कुछ ना कुछ चढ़ाओगे आप सभी सुबह या शाम के समय, उसे सबसे पहले लेना है, उसके बाद जो है अपने व्रत का खोलना है। अब शाम को आप मीठा ही भोजन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मीठा सोमवार के व्रत हो या पशुपति व्रत हो मीठा ही खाया जाता है, तो ठीक उसी तरह से यह व्रत भी होता है, इसमें भी आपको मीठा ही खाना उत्तम रहेगा, क्योंकि एक दिन का ही तो व्रत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मीठा खा लीजिए, बहुत अच्छा फल मिलता है। शाम को भोजन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, फल इत्यादि लेकर सो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह के समय में आपकी मम्मी लोग जो है व्रत को उद्यापन करेंगे तो ठीक आप भी पारण कीजिएगा। पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। अगर आपसे संभव नहीं है तो रात को ही खोल लीजिए, नहीं तो सुबह खोल लीजिए, फलाहार इत्यादि लेकर रात भर आप भी व्रत की श्रेणी में ही आएंगे। इस तरह से जो है पूरे व्रत की विस्तार से मैंने आपको नियम बता दिए। कोई मन में सवाल हो जरूर पूछिए, भगवान शिव माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, विश्वास है मुझे। राधे राधे।